हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो वी डिस्कस क्लास थर्ड। क्लास थर्ड का आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8। इसका नेम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर क्या करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या करेंगे? साथ साथ करेंगे। क्या करेंगे? साथ साथ करेंगे। तो देखो, आपकी न्यू वर्ड्स है सम एंड डिफरेंस। क्या है? सम एंड डिफरेंस, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, ये कैसे करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, आज हम वही सीखेंगे। देखो, आपको सोल्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। 556 प्लस 438 माइनस 512। आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करने पे जो भी आएगा ना, उसको उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इसको। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? इसको। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ ऐड का साइन लगा हुआ है ना, एडिशन का साइन लगा हुआ है। तो क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन कर देंगे। तो कितना है पहले? 556। तो 556 और फिर क्या है? 438। तो 438, 6 और 8 14, 14 का 4 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 544 9, कितना हो गया? 994। कितना हो गया? 994। तो मैंने क्या बोला था? इन दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को क्या किया? एडिशन किया। तो क्या आया आपके पास? ये आया। क्या आया? ये आया। अब जो ये आया ना, इसमें से क्या करेंगे? जो आपको ये दिया हुआ है ना सब्ट्रैक्ट, तो इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो आया उसको तो ऊपर लिख देंगे 994, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है? 512 को। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 512 को। तो 512 यहाँ राइट कर दिया। चलो सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 2 को किया तो 2, 9 में से 1 को किया तो 8, एंड 9 में से 5 को किया तो 4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया? 482। क्या गया आंसर? 482। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, इसके जैसा ही है, सेम टू सेम। पहले क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करने पे जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा, सम आएगा, उसमें से क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो पहले इन दोनों का सम करो, तो इन दोनों को राइट कर लेते हैं पहले इसको, फिर इसको। चलो इन दोनों का सम करो, 5 और 7, 5 और 7 कितना होता है? चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया? 12। 12 का 2 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का 6 1 कैरी, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 1 कैरी, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो आपका सम कितना गया? 7262। अब क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों का सम आएगा ना, उसमें से क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों का सम कितना है? 7262। तो ये लिख दिया 7262, और इसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 1256 को। तो सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 6 नहीं होगा तो जैसे बोलो ले लेंगे, तो कितना हो गया? 12 में से 6 को किया तो 6। अब यहाँ कितना रह गया? 5 में से 5 को किया तो 0, 2 में से 2 को किया तो 0, 7 में से 1 को किया तो 6। तो आपका आंसर क्या गया? 606। क्या गया आपका आंसर? 606। नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ तो पहले एडिशन करना था, अब यहाँ काय का साइन आ रहा है? सब्ट्रैक्शन का। काय का साइन आ रहा है यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन का। तो पहले क्या करेंगे आप? इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट 2 नंबर्स, इन दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो करो पहले ये वाली, फिर ये वाली, सब्ट्रैक्ट करो। 5 में से 7 नहीं होगा तो इधर से बोलो 15, 15 में से 7 हुआ तो 8, यहाँ रह गया 5, 5 में से 6 नहीं होगा तो इधर से क्या ले लेंगे? बोरो, 15 में से 6 को किया तो 9। अब 8 में से 1 यहाँ ले लेते हैं, कितना बच गया? 7, 7 में से 3 को किया तो 4, एंड 9 में से 5 को किया तो 4। अभी इनका क्या आ गया? डिफरेंस। क्या आ गया? ये डिफरेंस। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, उसमें क्या करेंगे? जो ये डिजिट दी हुई है ना, उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इनका एडिशन कर देंगे। तो डिफरेंस कितना है आपका? 4498। डिफरेंस कितना आया?
4498, इसमें किसको ऐड करना है, 3256 को। तो 4000 पहले इसको राइट कर देंगे इस वाले को, फिर इसको राइट कर देंगे, फिर क्या करेंगे दोनों का एडिशन कर देंगे। 8 और 6 14, 14 का 4, 1 केरी। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5, 1 केरी। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 4 और 3 7। तो अपना आंसर क्या आया, 7754। कितना आया, 7754 आया। समझ में, देखो आपने सब्ट्रैक्शन के साथ में किया और एडिशन के साथ में किया, तो इस चैप्टर का यही तो नाम है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, दोनों क्या करेंगे आप साथ में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस जोन नंबर फर्स्ट, क्या है प्रैक्टिस जोन नंबर फर्स्ट, तो आपको दिया हुआ है कि इन दोनों का सम करके फिर इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों का सम करके, इन दोनों का सम करने पे जो भी आएगा उसमें से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या करते थे, इन दोनों का सम कर देते हैं। तो पहले 3129 और 1724, इन दोनों को क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो देखो 9 प्लस 5 14, 14 का 4, 1 केरी। 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 3 और 1 4, इन दोनों का सम कितना आया, 4834। कितना है इन दोनों का सम, 4834। अब इन दोनों के सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो इन दोनों का सम आया ना, उसको कहाँ राइट कर देंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे ऊपर 4834। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1512 को, किसको सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 2 को किया तो 2, 3 में से 1 को किया तो 1, 8 में से 5 को किया तो 5 एंड 4 में से 1 को किया तो 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3322। कितना आ गया, 3322 आया समझ में। नेक्स्ट डे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जो डिफरेंस आएगा उसमें क्या ऐड करना है, आपको क्या एडिशन करना है, इसको ऐड करना है, क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों के बीच में काय का साइन लग रहा है, सब्ट्रैक्शन का, तो क्या करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से इसको, तो ये ऊपर और ये नीचे। 9 में से 2 को किया तो 7, 1 में से 1 को किया तो 0 एंड 3 में से 6 नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे बोरो ले लेंगे, तो 13 में से 6 को किया तो 7 एंड 4 में से 4 को किया तो 0। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 707। क्या गया इन दोनों का डिफरेंस, 707। और इसमें क्या ऐड करना है आपको, अब ये वाली डिजिट ऐड करनी है, तो ये वाली डिजिट ऐड कर देते 3170 और आपका डिफरेंस क्या आया, 070। तो 0707 ऐड करते, 0 और 7 7, 7 और 0 7, 7 और 1 8 एंड 303। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3877। कितना आ गया आपका आंसर, 3877। नेक्स्ट है आपका सी वाला, इन दोनों को ऐड करने पे जो सम आएगा उसमें से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ काय का साइन आ रहा है सब्ट्रैक्शन का। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एडिशन करेंगे, तो करो एडिशन। 6 और 8 14, 14 का 4, 1 केरी। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 की 0, 1 केरी। 1 और 1 2 और 2 और 3 और 2 5। तो आपका इन दोनों का सम कितना आया, 5204। कितना आया, 5204। अब इन दोनों के सम में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको। तो पहले सम को राइट करते थे, सम क्या आ रहा था जो आपका 5204, और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3147 को। तो 3147 राइट कर दो, 4 में से 7 नहीं होगा तो इधर से बोरो ले लेंगे, यहाँ भी 0 है तो पहले इधर से लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 10, ठीक है। 10 में से 1 यहाँ ले लिया तो यहाँ कितना रह गया 9। 14 में से 7 को किया तो 7, 9 में से 4 को किया तो 5, 1 में से 1 को किया तो 0 एंड 5 में से 3 को किया तो 2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2057। क्या गया, 2057। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स प्रॉब्लम, क्या है वर्ड प्रॉब्लम। तो देयर आर 8960 पीपल्स इन अ टाउन, एक टाउन है जहाँ कितने पीपल्स रहते हैं, 8967।
3546 आर मैन, उनमें से मैन कितने 3450 46 एंड 2789 आर वुमेन, और वुमेन्स कितनी है 2789, रेस्ट ऑफ द देम आर चिल्ड्रन, और जो भी बच जाता है ना इन सब में से फिर क्या वो सब क्या है चिल्ड्रंस, क्या है वो सब चिल्ड्रंस। तो आप क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन कितना है 3546, और नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ मैन और मूवमेंट्स को क्या करेंगे इन दोनों का सम कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितना है 2789, इन दोनों का क्या कर लेंगे सम कर लेंगे, 6 और 9 15 15 का 5 1 केरी, 4 और 8 12 12 और 1 13 13 का 3 1 केरी, 5 और 7 12 और 1 13 13 का 3 1 केरी, 3 और 2 5 और 1 6 तो टोटल मैन एंड वुमेन कितना है 6335, टोटल मैन एंड वुमेन्स कितना है 6335 एंड देखो, और आपको क्या निकालना है चिल्ड्रंस निकालना है ना, क्या निकालना है आपको चिल्ड्रंस निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन टोटल पीपल्स कितने 8967, उनमें से मेन एंड वुमेन्स कितने 6335, टोटल में से जितने मेन एंड वुमेन्स है ना उनको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा चिल्ड्रंस हो जाएंगे, तो 7 में से 5 को किया तो 2, 6 में से 3 को किया तो 3, 9 में से 3 को किया तो 6 एंड 8 में से 6 को किया तो 2, तो चिल्ड्रंस कितने 2632, कितने चिल्ड्रंस 2632, तो हेंस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन टाउन्स, तो इसने कितना किया देखो, जो आपको टोटल नंबर दिया हुआ था उसमें से मैन एंड वुमेन्स को, मैन एंड वुमेन्स को क्या करके सम करके टोटल नंबर में से क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका चिल्ड्रंस आ गया, क्या आ गया आपके चिल्ड्रंस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस जोन नंबर 2, प्रैक्टिस जोन नंबर 2 है रमेश हैज टू ट्रेवल डिस्टेंस, रमेश को कितना चलना है टोटल 8570 किलोमीटर, कितना चल रहा है 8570 किलोमीटर, ही कवर डिस्टेंस ऑफ 2235 किलोमीटर इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में वो कितना चला 2235 किलोमीटर एंड सेकेंड वीक में कितना चला 2401 किलोमीटर, ठीक है। अब उसको थर्ड वीक में कितना चलना है, तो देखो टोटल तो उसको कितना चलना था इतना, उसमें से वो इतना और इतना तो चल चुका है, अब उसको कितना चलना है आपको ये निकालना है, इसके लिए आप क्या करोगे देखो, रमेश हैज टू ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 8570, फर्स्ट वीक में कितना चला 2235 एंड सेकेंड वीक में कितना चला 2401 में, अब थर्ड में कितना चलेगा, तो ये जो ये है ना इसमें से क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किनको इन दोनों को, इन दोनों को ऐड करके क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले क्या करेंगे इन दोनों का सम कर देंगे, फिर जो भी आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों का सम करो 5 और 1 6, 3 और 0 3, 2 और 4 6 एंड 2 और 2 4, इन दोनों का सम कितना आया 4636, अब किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, तो 8570 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4636, जितना चला उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में 6 नहीं होगा तो इधर से बोरो ले लेंगे 10 में 6 को किया तो 4, यहाँ रह गया 6 में से 3 को किया तो 3, 5 में से 6 नहीं होगा तो इधर से बोरो ले लेंगे 15 में 6 को किया तो 9, यहाँ रह गया 7 में से 4 को किया तो 3, तभी तो उसको कितना चलना बाकी है थर्ड वीक में, कितना चलेगा वो 3934 किलोमीटर, कितना चलेगा 3934 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिसिंग डिजिट, क्या है मिसिंग डिजिट, जो मिसिंग डिजिट होती है ना आपको वो ढूंढनी है, तो देखो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल ये दिया हुआ है, तो देखो जहां जहां इसने ब्लैंक छोड़ रखा है, ब्लैंक कर रखा है ना, वहां भी क्या करना है आपको मिसिंग डिजिट ढूंढनी है, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9, ये देखो इसने 9 का रखा है, ठीक है। अब यहाँ कितना राइट कर रखा है इसने 8,
तो फाइव में कितने ऐड किए होंगे बताओ, यहाँ पे कितनी डिजिट आएगी, तो यहाँ कितना होगा जो फाइव में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री। बताओ जल्दी से कितना आएगा यहाँ पे, एन टेन प्लस सब्ट्रैक्ट एड एन फाइव, तो फाइव एट में से फाइव को करेंगे तो कितना बच रहा है, थ्री। तो यहाँ कितना आना चाहिए था, थ्री, तो यहाँ थ्री राइट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है, क्या कर रखा है यहाँ पे, ब्लैंक कर रखा है। तो देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टू में से टू को करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जीरो। एंड फोर में से टू को करेंगे तो सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस जोन नंबर थ्री। क्या है प्रैक्टिस जोन नंबर थ्री, तो देखो यहाँ पे ब्लैंक है और वन एंड सेवन। ठीक है, सेवन में से वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, मिसिंग डिजिट आ जाएगी। तो सेवन में से वन को सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी मिसिंग डिजिट क्या हो जाएगी, सिक्स। क्या हो जाएगी, सिक्स। अब यहाँ पे भी आपको क्या दी हुई थी, मिसिंग डिजिट दी हुई थी। तो देखो फाइव और फोर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो फाइव और फोर कितना हो गया, नाइन। तो यहाँ कितना आ जाएगा, नाइन। अब देखो यहाँ कितना दिया हुआ है, थ्री, और यहाँ कितना हुआ है, एट। अब देखो फाइव और फोर कितना हो जाएगा, सॉरी फाइव और नाइन कितना हो गया, फोर्टीन। फोर्टीन का तो फोर और यहाँ वन के ही। अब देखो एट और थ्री और यहाँ मिसिंग वर्ड दिया हुआ है, तो एट और थ्री को ऐड करो कितना हुआ, बताओ जल्दी क्या करेंगे, एट में से थ्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचा, फाइव। और वन कैरी का भी लग रहा है, उसको भी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचा, फोर। यहाँ कितना आएगा, फोर। ठीक है, अब देखो अब यहाँ कितना आ रहा है, नाइन, और यहाँ टू, तो बताओ यहाँ कितना आएगा। अब नाइन में से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेवन, और सेवन में से वन को करेंगे तो सिक्स, तो यहाँ कितना आएगा, सिक्स। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एडिशन का साइन लगा हुआ है, तो देखो वन में नाइन में कितने ऐड किए होंगे जब टेन हो गए, बताओ वन, कितना ऐड किया होगा, वन। तो वन और नाइन, टेन, टेन की जीरो, वन के री। देखो अब एट में कितने ऐड किए होंगे, तब यहाँ फोर आया होगा, बताओ। तो एट में से क्या करेंगे, फोर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एट में से फोर को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा अपने पास, फोर। कितना बचा, फोर, और ऊपर कितना है अपने पास, वन कैरी लग रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, वन को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव। तो ये कितना आएगा, फाइव। तो फाइव और एट कितना हो जाएगा, फोर्टीन। कितना हो जाएगा, फाइव और एट और वन कैरी का फोर्टीन, फोर्टीन का फोर और वन कैरी। यहाँ कितना आ रहा है, फाइव। कितना आ रहा है, फाइव। टू और वन कितना हो रहा है, थ्री। टू और वन, थ्री। तो फाइव में से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइव में से थ्री को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा अपने पास, टू। कितना बचा, टू। यहाँ कितना आएगा, टू। ठीक है, नेक्स्ट है फोर और थ्री, फोर और थ्री को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेवन। कितना हो जाएगा, सेवन। तो ये आपके कौन से है, मिसिंग वर्ड वाले, कौन से ही है, मिसिंग वर्ड्स वाले। नेक्स्ट है आपका सी वाला, क्या है सी वाला। अब देखो एट में से नाइन को नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे बोरो ले लेंगे, एटीन में से नाइन को किया तो नाइन, यहाँ पे मिसिंग था तो आपने लिख दिया। ठीक है, फोर में से वन इधर कैरी कर लिया तो यहाँ कितना रह गया, थ्री। थ्री में से थ्री को करेंगे तो यहाँ मिसिंग क्या वर्ड क्या आएगा, जीरो। अब देखो थ्री में से कौन से डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब यहाँ आ जाएगा मिसिंग वर्ड, तो थ्री में से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका मिसिंग वर्ड, वन। अब फोर में से वन को करेंगे तो आपका मिसिंग वर्ड क्या आ जाएगा, फोर। फाइव में से वन को किया तो क्या है आपका मिसिंग वर्ड, फोर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आपको मिसिंग वर्ड दिया हुआ है और एट। ठीक है, तो आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट में क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो नाइन और एट कितना हो जाएगा, सेवनटीन। तो यहाँ सेवनटीन का सेवन। सेवन में से एट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, जैसे बोरो ले लेंगे, तो यहाँ हो गया सेवनटीन। सेवनटीन में से एट को किया तो नाइन। ठीक है, देखो अब यहाँ कितना आ रहा है, एट, और यहाँ दिया हुआ है आपको मिसिंग वर्ड, तो यहाँ कौन सा वर्ड आना चाहिए बताओ। एट और फाइव को करेंगे ऐड, एट और फाइव कितना हो गया, थर्टीन। कितना हो गया, थर्टीन। तो यहाँ कितना आना चाहिए था, थ्री, लेकिन वन फोर में तो ले लिया था ना आपने, तो यहाँ कितना हो जाता, फोर्टीन। तो यहाँ कितना आएगा, फोर। तो वन इधर ले लिया था, यहाँ कितना बच गया, थ्री। थ्री में से फाइव नहीं होगा तो क्या करेंगे, इधर से फोरो ले लेंगे। थर्टीन में से फाइव को किया तो एट।
अब देखो यहाँ कितना आ रहा है, थ्री, थ्री और नाइन ट्वेल्व, कितना होता है थ्री और नाइन ट्वेल्व, तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ ट्वेल्व में से नाइन को किया तो थ्री और सेवन में से सिक्स को किया तो वन, तो ये हो गया आपका मिसिंग वर्ड। आप एक बार घर पे ट्राई करना, आपको आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर फंस, क्या है नंबर फंस, वी कैन यूज नंबर द डिफरेंस सम, क्या कहते हैं हम डिफरेंस सम को यूज करने के लिए क्या कहते हैं नंबर यूज करते हैं। तो ट्वेंटी प्लस थर्टी कितना हो जाएगा आपका फिफ्टी, ट्वेंटी में थर्टी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा फिफ्टी। अब इनका क्या करते हैं ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, थर्टी को तो कहाँ लाते पहले लिया थे और ट्वेंटी को बाद में, तो थर्टी प्लस ट्वेंटी कितना हो गया फिफ्टी। तो देखो कैसे भी करो फिफ्टी आया। नेक्स्ट देखो अब ये फिफ्टी है ना, इसमें से अगर ट्वेंटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिफ्टी में से ट्वेंटी को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया थर्टी, क्या आया थर्टी, फिफ्टी में से ट्वेंटी को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया थर्टी। नेक्स्ट और फिफ्टी में से इस वाले फिफ्टी में से थर्टी को किया तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी, क्या जाएगा ट्वेंटी, फिफ्टी में से थर्टी को किया तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी। हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड स्टे होम।